हेलो गाइस वेलकम आवर YouTube चैनल गेर में जाना है इसका तो ऐसा देख रहा है जैसे अभी बोल देगा लेकिन बोलेगा तीता तीती हे गाइस गुड मॉर्निंग कितना गंदा दे रहा एकदम हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम कहीं जा रहे हैं एंड कुकू इज वेरी कंफ्यूज कि कहाँ जा रहे हैं मॉमी कुकू को कुछ भी नहीं पता है और ये एकदम से सडन हमारा प्रोग्राम बना जाने का एक्चुअली जाना बहुत टाइम से था बट ऐसे ही टल रहा था बार बार कि चलते हैं बाद में जाएंगे बट आज ऐसे ही मन किया और एक्चुअली हम कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं सोनीपत और वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरा नेफ्यू आता था घर पे वो मतलब वो एक्चुअली उसका घर है जहाँ पे वो रहता है तो ठीक आ गई अरे ऐसे कम कर दो तो आज फाइनली हम रेडी हो गए काफी टाइम से सिस्टर बुला रही थी घर पे अपने और नहीं हो पा रहा था शादी से पहले ही बुला रही थी और कुकू हो गया अब उसके बाद तो बल्कि अच्छा ही है कि हम अब 2 से 3 हो गए हैं जाने वाले आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा है जहाँ बैठता है वहाँ देखने लग जाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना कुकू क्या देख रहे हो मम्मी कहाँ लेके जा रही है 2 बज रहे हैं आई नो बहुत लेट हो गया है और 5-6 बजे वहाँ पे अंधेरा हो ही जाएगा बट कोई नहीं इतने टाइम से जब कर रहे थे वेट तो आज चाहे 2 घंटे ही बैठे एटलीस्ट जाएंगे नहीं तो फिर कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि सोचते रह जाएंगे जाना है कुकू की बैक टू बैक मतलब 1-2 महीने में कोई छोटी मोटी ट्रिप लगी जा रही है तो चलो अच्छी बात है कोई लंबी ट्रिप तो हम मार नहीं सकते ऑब्वियसली 1 साल तक तो एटलीस्ट बट ये है कि कुकू रास्ते में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है ना कुकू चुपचाप ऐसे देखता रहता है प्लीज वेरी गुड बॉय एक्चुअली बस परेशान करता है तो घर पे जाके या फिर होटल वगैरह में जाके परेशान करता है अब कहीं तो करेगा ना मतलब बच्चा या तो सोते हुए या फिर जब भूख लग रही होती तभी परेशान करता है अदरवाइज कुछ नहीं करता देखो मैं बोल भी रही हूँ तो चुपचाप सुन रहा है मेरी बातें सो वहाँ जाके ही मिलते हैं रास्ते में तो हम कहीं रुकेंगे नहीं सीधा वहीं मिलेंगे ठीक है कुकू ऑल राइट आजकल पंकज नहीं आता मेरे ब्लॉग में क्योंकि मैं पीछे बैठती हूँ जब से कुकू आए आगे बैठने का मौका कम ही मिलता है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये अनकंफर्टेबल होता था मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ इससे अच्छा है कि ये परेशान हो ओके कैसी है बढ़िया पहली जो गाड़ी थी वो डीजल थी उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता था कभी ऐसा वॉमिटिंग का नहीं होता पर जब से ये पेट्रोल गाड़ी ली है हमने जहाँ भी जा रही हूँ ट्रैवल कर रही हूँ थोड़ा लंबा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग से आ रही घुटन सी हो रही है पता नहीं कईयों को डीजल गाड़ी में प्रॉब्लम होती है और मुझे पेट्रोल में हो रही है आई डोंट नो पेट्रोल से भी होती होगी शायद किसी को प्रॉब्लम पिछले 3 दिन से कुकू गिर रहा है पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ खैर वो टाइम भी आ गया है कि ये चलने की कोशिश कर रहा है गिर रहा है बट 3 दिन से ऐसा हो रहा है अभी गाड़ी में भी एकदम से पंखे ने ब्रेक लगाई और उसको आगे लग गई और मतलब दूध पी रहा है तो थोड़ा सा शांत हुआ मैं भी कुछ थोड़ी खाऊँ मुझे भी तो टेस्ट करवाओ क्या पता मैं कुछ खा के ही मेरा मूड ठीक हो जाए टेस्ट कराओ अपने आँख से कचौड़ी होनी चाहिए इसमें ठीक है नॉट बैड थोड़ा मैं 1-2 बाइट ले लूँगी
ताकि मेरा मूड ठीक हो। देख रहा है, बोल तो दे, बोल तो दे। ऐसा देख रहा है जैसे अभी बोल देगा, लेकिन बोलेगा तीता, तीती, तीती क्या होता है? तीती, तीती। A few moments later. की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा। रोन लग जाएगा ये। यो बड़े हो गए दोनों। क्यों निकल गया थोड़ा सा निकल गया। और ये तो निकल गया। खेत में सर तो है कैसा है? मस्त लस्सी। हाँ मैं लूंगा। और क्या करेगा? चला लेगा, चला लूंगा कुछ दिन में। शाबाश। एक वीडियो आ रहा है, देखी थी ना वो वीडियो फेसबुक पे, इतने छोटे छोटे बच्चे को गाड़ी चला रहे हैं। खेतों में आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया। मतलब देखो
अब दिखेगा भी नहीं, सनसेट हो गया है। और ये है गोभी, और देखो कितनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है ना, सो ब्यूटीफुल। थोड़ा और जल्दी आते तो शायद और इन्जॉय कर पाते, बट कोई बात नहीं, इतना भी कर लिया तो बहुत है। पालक हाँ ले लो। और यहाँ पे ताजी सब्जियाँ हैं बिल्कुल, गोभी, पालक, चुकंदर, इनके खुद के खेत हैं मेरी जीजू के फैमिली के। पंकज एंड कुकू इज देयर। कुकू मजा आ Hello guys, welcome our YouTube channel. ना क्या ये? लेकिन मैं घूमूंगा। अच्छा। ये बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, लेकिन ये ओलों की वजह से ना बिल्कुल लेट गए। वहाँ ओले नहीं गिरे, सिर्फ इस तरफ गिरे थे, थोड़े से इस जगह पे बस। अच्छा। झूठ है, ऐसा हो सकता है? हवा की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से। मेरा पपलू बनाता ना इंसान। नहीं, शादी से पहले से मेरा इतना उल्लू बना है और आज तक उल्लू बनाता है। नहीं, ओलों की वजह से हुआ, वो पानी की वजह से खड़े हो गए। ये होता है सगे। हां, कच्चे कच्चे ये गेहूं है। देख भी नहीं रहा, फोकस ही नहीं हो रहा। फोकस फोकस तो साला। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैंने बड़ी मुश्किल से ये कैमरा उठाया है, क्योंकि कल मैंने बाय नहीं किया था और फटाफट मैंने व्लॉग ऐसे ही ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा यार, ओह माय गॉड, इसको देखो। एक तो ये आजकल दूध पीता है, पता नहीं क्या करता है, करतब करता है आजकल। ये इतना शैतान हो गया है ना ये कुकू, कि इसको दूध पिलाना ही इतना बड़ा वो है काम। कुकू सीधा बैठो, सीधा बैठो, एक सेकेंड ना। तो रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, हम रात को बहुत लेट हो गए थे। और कुकू डूडू पियो, डूडू, हाँ डूडू 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 नहीं पीना आपको। डूडू कौन पिएगा? डूडू कौन पीता है? डूडू हाँ हाँ, आप ही पियोगे, आप ही पियोगे, हाँ आप ही पियो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, डूडू पी लो, पी लो डूडू, पी लो पी लो पी लो। हाँ मेरे बेटू है, बेटू है मेरे। तो इसको दूध पिला रही हूँ फटाफट, और यहाँ बन रही है मेरी चाय। तो मैं इसको, आज एक्चुअली मॉर्निंग इतनी गुड नहीं थी, क्योंकि 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 मेरा कुकू गिरेगा, गिरेगा मेरा कुकू। ना बेटू ना, एक्चुअली मैं ब्लॉग बस एंड कर ही देती हूँ। आज मेट नहीं आई है, तो मुझे इसको संभालना पड़ रहा है। आज हमारी मेट ने छुट्टी ले ली है कुकू, कल भी छुट्टी ली थी, मुझे नहीं पता था आज भी ले लेगी। तो मॉर्निंग ऐसी हुई है, बड़ी मुश्किल से उठे। इसको देखो, हाँ हाँ, ये भी कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलना तो चाह रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कुछ दिखाना चाह रही थी कि हम कल कल हम कहाँ गए थे, खेतों में गए थे। तो एक सेकंड, तो मैं कुछ दिखाना चाह रही थी। एक तो गाइस, ये है गोभी। मतलब गोभी तो ऑब्वियसली सबने देखी है। तो ये बिल्कुल खेतों की एकदम ताजी ताजी देखो गोभी है, फूल भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं इसके। और ये कल खेत दिखाए थे ना गोभी के, मेरी सिस्टर के खेत है, वो उन्होंने गोभी दी है। और क्या दिया है, ये शलगम, इंग्लिश का पता नहीं क्या बोलते हैं, चुकंदर, वहाँ पे जो जो मतलब वो उगाते हैं
और खाते हैं, उन्होंने वो ही हमें दिया। तो मतलब एक नॉर्मल खाना अलग होता है और एक हाँ ताज़ा ताज़ा खाना अलग होता है। कुकू बेटा दूध पी लो। तो मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मैं कुकू को देखती हूँ, चाय पीती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय कर दो कुकू, कुकू बाय कर दो, बाय। मेरा मुंह क्या देख रहा है यार, देखो, बाय बाय।